स्वागत है संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का। और आज हम फिर से दसवीं अभ्यास को जानेंगे। इसमें दो या एक वाक्य हैं जो लोगों के समझ में नहीं आए थे, हालांकि उसमें एक गलती भी हो गई थी वाक्य में, तो उसको फिर से देख लेते हैं, कोई समस्या नहीं। मैंने बताया था अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको दोबारा से पूरी वीडियो बना के दूंगा। इसमें बहुत समय लगता है, मुझे पता है, 1 से 1.5 घंटा लग जाता है एक वीडियो बनाने में, लेकिन कोई बात नहीं है, क्योंकि हम अगर लाइव कर रहे होते सेशन तो इसमें हमें लाभ मिलता है। पढ़ते हुए कुछ गलतियां हो जाती हैं पढ़ाते समय, तो उसमें बता दी जाती हैं कि आप सर यहाँ थोड़ा सा गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधार लिया जाता है। लेकिन यहाँ लाइव नहीं है, तो यहाँ हमको दोबारा से ही पूरा बनाना पड़ता है। तो इसमें हम सीधे वाक्यों पर ही चलेंगे। उसमें एक गलती हुई थी कि दद के जो रूप है तो दा के जो रूप है वो देही शब्द आएगा, दद शब्द नहीं आएगा उसमें। ये मध्यम पुरुष में एक वचन में प्रयोग किया गया है लोट लकार में। एक तरफ से जानने का प्रयास करेंगे इसमें, फिर दोबारा से कोई बात नहीं है। अभ्यास 10 है और कुछ गलती लोगों को लग रही है, मैं समझाऊंगा कि क्यों नहीं है उसमें गलत। एक मित्र हैं सैनी जी, उन्होंने बताया है कि 13वां जो अनुवाद है वो गलत है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बताएंगे उसको, ठीक है। बहुवचन का उसमें गलत फहमी हो जाती है कि बहुवचन का प्रयोग होगा, बहुवचन का प्रयोग नहीं होगा, एक वचन का ही होगा, वो उसमें देख लेते हैं थोड़ा सा व्याख्या पूरी। उस बालक को दूध दो तो तस्मई, अब मैं इसमें सीधे बनाता चला जाऊंगा, तस्मई बालकाय दुग्धम यच या वितर, एक देख लेते हैं फिर उसके बाद व्याख्या करते चले जाएंगे। उस बालक को दूध दो, ठीक है। इसमें यच और वितर दोनों का ही इसमें विकट में रखा है, तो दोनों में से कोई सा प्रयोग कर सकते हैं। तो बालक को, क्योंकि हमने देने के अर्थ में संप्रदाने दा के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो बालकाय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम सीधे, बालकाय दुग्धम यच या वितर, आप दोनों का प्रयोग करते हैं, या देही, ये था। तो देही की जगह हमने दद बोल दिया था, इसलिए दोबारा बना रहे हैं इसको। अब मैंने बताया था कि सर्वनाम जो होते हैं, इसमें एक बार बताता चलूं, क्योंकि इसे नई वीडियो है तो नई हिसाब से बताएं। इसमें सर्वनाम के जितने भी प्रयोग किए जाते हैं, याद रखना है वो संज्ञा की तरह ही चलते हैं, संज्ञा और कुछ नहीं है, नाम का नाम है, नाम को ही संज्ञा बोला जाता है, किसी का भी नाम है दुनिया में वो सब संज्ञा है। तो संज्ञा के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, नाम के बदले बोले जाने वाले शब्द को सर्वनाम बोलते हैं। तो जैसे बालक है, ये संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है, तो इस ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम इस के अनुसार ही इसके रूप चलेंगे। जैसा लिंग, जैसा विभक्ति इसमें प्रयोग की जाएगी, वही लिंग वही विभक्ति सर्वनाम में प्रयोग की जाएगी। तो बाल का है, तो तस सात अवते रूप प्रयोग किया जाएगा इसमें, तो इसमें तस्मय का प्रयोग हो जाएगा, सात अवती तम तो ताब्यम तई तस्मय ताब्यम, इस तरह से। तो तस्मय बालकाय दुग्धम यच वितर देही, कोई भी एक लगाना है आपको, सब नहीं लगाने हैं, ठीक है, इसलिए यच छोड़ देता हूं, मैं समझाने के लिए लिख दिया था, ये बन जाएगा इसमें। अगला है, इस मुनि को धन दो, तो इसमें एतस्मयी लगा लीजिए, एतस्मयी मुनये धनम यच। सूर्य को जल दो, इसमें बता रहे थे, इसमें मैंने दद का प्रयोग कर दिया था, तो सूर्याय जलम देही भी कर सकते हैं, वितर भी कर सकते हैं, यच भी कर सकते हैं, कुछ भी करें, सूर्याय जलम। किस राजा को धन देते हो, तो देते हैं लटलकार है, तो ददाति का प्रयोग होगा, लेकिन यहां ददाति में मध्यम पुरुष का याद करना चाहिए, ददासी, ठीक है। तो कस्मई नृपाय धनम ददासी, उस कवि को भोजन दो, उस कवि को भोजन दो, तो उस, तो तस्मी प्रयोग हो जाएगा इसमें, कवि कवये भोजनम, बिल्कुल सीधा है, यच। आगे है, जिस बालक को
फल देते हो उसी को फूल भी दो। इसको लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। जिस बालक को फल देते हो उसी को फूल भी दो, तो बालक का आ जाएगी सीधी इसमें, ठीक है ना। यशमय आ जाएगा इसमें, ज्यो की त्यों। फल देते हो फलम, ददासी आ जाएगा, और उसी को तो तस्मय पुष्पम अपि यच। तो यस्मै बालकाय फलम ददासि तस्मै पुष्पम अपि यच। इस तरह से बन जाएगा ये। नमः षष्ठी स्वाहा सदा में चतुर्थी का सिद्ध प्रयोग किया था, तो ये पिता में चतुर्थी लगाइए, शिष्य में चतुर्थी लगाइए, दुर्जन में जुर्ण अलम का प्रयोग किया गया है इसमें। अगला देखते हैं दसवां, ज्ञान के लिए गुरु के पास जाओ तो ज्ञान आए, गुरु निकषा गच्छ। अग्नि के लिए स्वाहा सुधा, इसमें सब में अग्नि स्वाहा पितृभ्य सुधा इस तरह से प्रयोग हो जाएगा, देख लेना अपने आप से। इन मुनियों को फल और फूल दो, देखिए इसको देखते हैं, इन मुनियों को फल और फूल दो। ये जो बनाया था वो गलत नहीं है, यहाँ ये फूल फूल है, ठीक है, फूल दो। यहाँ दिमाग में एक गलती गलत बैठ जाता है कि इसको बहुवचन में प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, ये एकवचन ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि फूलों को दो नहीं है यहाँ, इन मुनियों को फल और फूल दो एकवचन में ही प्रयोग किया जाएगा। यहाँ जो मुनि है वो बहुवचन में है, एतेभ्य मुनिभ्य फलम पुष्पम च यच। यहां पर जो प्रयोग किया गया वो एक वचन का ही प्रयोग किया जाएगा, फलानी पुष्पानी च ऐसे नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमें क्या पता कितने दे रहे हैं, हो सकता है एक एक आम दिया जा रहा हो तो एक ही तो प्रयोग किया जाएगा, एक एक मांग रहे हैं तो एक, अगर होते तो फल और फूलों को दो, यहां होता फूलों को दो तो बहुवचन का दोनों में हो जाता, यहां पर भी हो जाता वहां भी हो जाता, लेकिन नहीं यहां फूल क्या है केवल, तो कह रहे हैं इन मुनियों को फल और फूल दो, तो एतेभ्य मुनिभ्य फलम पुष्पम चाहिए, बस इतना ही है। जो विद्यालय नहीं जाता उसको पिता दंड देते हैं, या बालकः विद्यालयं न गच्छति तं पिता दंडयति। इन फलों के लिए उन वृक्षों को देखो, इन फलों के लिए तो इन्हें एतस्मै, या फल बहुवचन है एतस्मै नहीं है, अब एतेभ्य फलेभ्य तम यानी सात अवते तम तो तान बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा, तान वृक्षान पश्य। इस प्रश्न को उस छात्र से पूछो, ये बिल्कुल यह सही है, इसमें भी प्रच्छ धातु है पिछली वाली दुई आज पच दंड वाली, तो इस प्रश्न को एतम प्रश्नम उस छात्र को पूछो, तम छात्रम प्रच सारे विद्वानों को वहां ले जाओ, तो सर्वान अब विद्वान की प्राज्ञान तत्र वह, क्योंकि वहति वहता इसके रूप जो चलते हैं, वहतु वहता वहंतु वह वहतम वहता इस तरह चलते हैं, वह मानी ले जाना, वह लग जाएगी ना, वह किस बालक को पूछते हो, कम बालकम प्रच पूछते हो, प्रच्छसी किस विद्यालय में पढ़ते हो, मैंने बताया था इसमें गलती से हो सकता है ये आ गया हो, या कोई आपके यहां नियम लग रहा हो तो उसको लगा दें और उसको बना दें, मुझे नहीं पता इसमें क्या लगेगा, सीधे इसमें मैं तो साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य में आप साधारण वाक्य बनाइए, कस्मिन विद्यालय पठसी, बस इतना ही प्रयोग होगा इसमें, कुछ नहीं लगेगा।
आपको एक बात बताता चलूं, मैंने बताया है पहले भी, जितने भी वाक्य हैं यदि वो वाक्य साधारण रूप से नहीं बन रहे हैं, उसमें कोई नियम लग रहा है, तब नियम लगेगा। यदि साधारण वाक्य बन रहे हैं तो उसमें सीधे साधारण बना दीजिए। तो कस्मिन विद्यालय पठसि, बस इतना ही बनेगा इसमें। इन छात्रों को पुस्तक दो, इसको देख लेते हैं ना। इन छात्रों को पुस्तक दो और उन बालिकाओं को गेंद दो, और उन बालिकाओं को गेंद दो, ठीक है। इन छात्रों को पुस्तक दो, उन बालिकाओं को गेंद दो। अब यहां पर भी पुस्तक लगाने लगा बहुवचन में तो गलत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां गेंद एक एक है, पुस्तक एक एक है, पुस्तकानि पुस्तकें नहीं है, पुस्तकें दो, ये नहीं है। एतेभ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकं वितर तस, अब इसमें स्त्रीलिंग है तो ताभ्या बालिकाभ्या च कंदुकम यच, ठीक है। एतेभ्य छात्रेभ्य पुस्तकम वितर ताभ्य बालिकाभ्याश्च कंदुकम यच, इस तरह से ये बन गया है। और अगर अभी फिर भी कोई डाउट रह गया हो, संदेह रह गया हो, तो कमेंट में देखें, मैं कमेंट में ही बताने का उसमें प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।